कैसे हैं आप सब आज हम रिव्यू कर रहे हैं अपने चैनल का सबसे महंगा लैपटॉप ये है राइजन नाइन सिक्सटी और RTX 3070 Ti वाला मॉडल ये है स्ट्रिक्स G15 काफी महंगा है ना मैं जानता हूँ प्राइस सुन के घबराना मत वन सिक्सटी के तो ऊपर ही होगा इसका प्राइस लेकिन इसके काफी सारे वेरिएंट आते हैं जो अलग अलग प्राइस ब्रैकेट पे आते हैं और आप उन्हें बाय कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग इस लैपटॉप को आप एक रेफरेंस की तरह देखो इस लैपटॉप को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिक्स जी की बिल्ड कैसी है स्ट्रक्चर कैसा है 2022 के हिसाब से तो आपको लैपटॉप आता नहीं है और आरोजी सीरीज के जो है, वो बहुत होते हैं। मेरी कोशिश रहती है, किसी भी के टॉप एंडियंट का हर एक लैपटॉप अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है एक ही सीरीज के अलग अलग स्पेसिफिकेशन वाले अरेंज होते नहीं है आसानी से तो जितने भी अरेंज पाते हैं मैं उनका रिव्यू ले आता हूँ आपके सामने वैसे भी हर एक लैपटॉप कैसे रिव्यू कराया जा सकता है स्ट्रिक सीरीज के जितने भी अच्छे अच्छे लैपटॉप है सारे मैं मैंने सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए आप जाके वहां पे चेक कर लेना आपको लैपटॉप बाय करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अलग अलग प्राइस रेंज पे अलग अलग लैपटॉप आते हैं अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ में और अगर आप पहले से स्टिक्स यूजर हो या फिर आरोजी सीरीज का कोई लैपटॉप यूज कर रहे हो तो प्लीज नीचे कमेंट करो बताओ हमें कैसा आपका एक्सपीरियंस है आपको क्या लगता है इस लैपटॉप के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो हमारे व्यूअर्स की थोड़ी हेल्प हो जाएगी इससे पहले भी मैंने कुछ अच्छे लैपटॉप रिव्यू करे हैं तो उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जाके चेक कर लेना हेलो हेलो मेरा नाम है अरुण आप देख रहे हैं And technical drops. अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना बेल आइकन को जरूर प्रेस करना कोई भी क्वेरी है कुछ भी पूछना चाहते हो जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दो तो अनबॉक्सिंग कर लिया है फटाफट बॉक्स की हालत पहले से बहुत खराब है तो इसलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं इसका तीन बार एक्सीडेंट हो चुका है कुछ मिलती है हमें इसमें पुस्तकएं जिनका हमारे लिए कोई काम नहीं है एक ये मिलता है टू एट्टी का तगड़ा सा डॉक्टर और हमारा प्यारा सा लैपटॉप और इसी के साथ मिलता है एक बढ़िया सा वेब एक मिल जाती है इसमें माइक्रो वी वाली केबल क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी ये जो चीज है ये है वेब का स्टैंड तो इसे आप जो है माउंट कर सकते अपने ट्राईपॉड पे आराम से नीचे इसमें छेद मिल जाता है ये है हमारा बहुत मजबूत सा वेबकैम। तो इसकी क्वालिटी जो है मुझे बहुत औसम लगी यहाँ पे देखो आर का लोगो इस पर बना हुआ है इस वेबकैम पे और यहाँ पे माइक्रोवेस भी लग सकती है और कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम का डिज़ाइन है इस वेब कैम का मतलब बहुत सॉलिड डिजाइन है इस वेब कैम का कुछ इस तरह से ये खुल जाता है उसे आप लगा सकते हो अपने लैपटॉप पे तो चलिए आपको फटाफट स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ राइजन नाइन सिक्स नाइन हंड्रेड एच एक्स प्रोसेसर मिल जाता है आठ कोर सोलथ थ्रेड वाला आर टी एस थर्टी टी आई ग्राफिक कार्ड है एट जीबी की वी रैम है वन ट्वेंटी फाइव वॉट की बेस टी है ट्वेंटी का बूस्ट है तो टोटल मिला के यहाँ पे हो जाती है वन फिफ्टी वॉट की टी जी बी सिक्सटीन रैम है डी डी आर फाइव वाली रैम है फोर्टी एट हंड्रेड मेगा वाली जिसे आप थर्टी टू जी बी तक अपग्रेड कर सकते हैं एक टी बी की पीसीआई जेन फोर एस एस डी मिल

और तीन कैप उसके अंदर आपको मिलती थी जिन्हें आप रिप्लेस कर सकते थे इसका जो सरफेस है वो रबर ही ऐसा है इस लैपटॉप के अंदर आपको टोटल चार एग्जॉस्ट मिलते हैं इसका जो नीचे का पैनल है बहुत प्लास्टिक से बना हुआ है छूने में अलग सी ही स्ट्रॉग सी फीलिंग आती है बिल्ड के मामले में आ लैपटॉप एकदम टॉप नॉच होते हैं इसके अंदर आपको दो बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं इस लैपटॉप में काफी सारी रबर पैडिंग दी गई है एक पे लिखा है एक पे लिखा है बैक ऑन टॉप बैक टॉप पे है बात इस पे ये डेट सी दी हुई है पता नहीं किस चीज की है यहाँ पे लिखा है रिपब्लिक ऑफ केमर्स मतलब हर एक रबर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है देखो कितनी सारी हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ जीवी बार यहाँ दी गई है देखो पूरी एक स्ट्रिप जैसी है ट्रांसपेरेंट जैसी यह है लैपटॉप की लेफ्ट एज यहाँ पे एक एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है दो टाइप ए वाले यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं और एक कॉम्बो ऑडियो जैक दिया गया है बैक साइड पे यहां पे दो एग्जॉस्ट वेंट दिए गए हैं दो टाइप सी वाले पोर्ट दिए गए हैं एक एच पोर्ट है एक इतरनेट पोर्ट है और एक चार्जिंग वाला है राइट साइड जो है वो लैपटॉप की एकदम क्लीन लुक में है केवल एक एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है इसकी जो एस पोर्ट है वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से आउटपुट निकाल कर देती है और जो टाइप सी वाली है वो भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से आउटपुट

मेंशन करे गए यहाँ पे आरओजी स्ट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे डेडिकेटेड आर ओ कीज मिल जाती हैं ये वाला जो हिस्सा है ना लैपटॉप को देखने में बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है इसका कीबोर्ड फुल साइज वाला नहीं है इसके अंदर नंबर पैड नहीं मिलता है आर ओ सीरीज में मिलता ही नहीं है नंबर पैड टेक्सटाइल फीडबैक काफी अच्छा है कीबोर्ड का इसकी जो एरो कीज है वो भी आराम से नेविगेट कर पाते हैं बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है ज्यादा छोटी भी नहीं है ज्यादा बड़ी भी नहीं है टच पैड जो है काफी बड़े साइज का दिया गया है तो नेविगेट करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो सरफेस है वो ग्लास का बना हुआ है मतलब बड़ा सही से लग रहा है यूज करने में इसकी बोर्ड के हर एक बटन में खुद की आर लाइट है तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो मतलब बहुत ही प्यारा लगता है बहुत डिसेंट लगता है इसका की मुझे इस लैपटॉप के हिजेस बहुत सही लगते हैं सिजर डोर हिंजेस लैपटॉप के अंदर यूज करे गए हैं इनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है लेडो अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये काफी लॉन्ग लाइफ भी होते हैं मतलब लैपटॉप क्वालिटी के मामले में एक नंबर है एल्यूमिनियम का होने की वजह से इसकी बॉडी में फ्लैक्स जो है बिल्कुल नहीं है और यह काफी स्ट्रॉन्ग लैपटॉप है तो ना डेक पे मुझे ज्यादा फ्लैक्स नजर आया और ना ही मुझे लिड पे इसकी ज्यादा फ्लैक्स नजर आया अब आपको बताता दू मैं डिस्प्ले के बारे में डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाती है फिफ्टी पॉइंट सिक्स इंच की डब्लू क्यू एच डी फोर्टीन फोर्टी पी इसका रेजोल्यूशन है आईपीएस डिस्प्ले है एंटी ग्लेयर वाला पैनल है थ्री हंड्रेड नीट्स की इसकी ब्राइटनेस है हंड्रेड परसेंट डीसीआई थ्री कामेट है डी सी आई पी थ्री जो है काफी बेटर होता है हंड्रेड परसेंट आठ जीबी से तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी वन सिक्स फाइव हर्ट इसका रिफ्रेश रेट है डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ आती है डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है कलर्स बहुत वाइब्रेंट दिखाई देते हैं बहुत क्रिस्पर नजर आते हैं और बहुत है डिस्प्ले के डिस्प्ले पर ये जो डिस्प्ले है, है, है इस लैपटॉप के प्रोसेसर के अंदर है एट कोर सिक्सटी थ्रेड जो बहुत गजब की परफॉर्मेंस निकालते है इस लैपटॉप पे आप गेम भी खेल सकते हो एट द सेम टाइम स्ट्रीम भी कर सकते हो आप इस लैपटॉप पे फोर के वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो का कुछ डेटा आपको दिखाता हूँ आपको इसकी परफॉर्मेंस समझने में हेल्प मिलेगी मल्टी कोर स्कोर निकल के आया ट्वेल्व पॉइंट्स और सिंगल कोर स्कोर निकल किया है मल्टीर स्कोर निकल के आया एट पॉइंट्स और सिंगल कोर स्कोर निकल के आया वन पॉइंट्स। फोर हंड्रेड सेवेंटी टेस्ट में ओवरऑल स्कोर निकल के आया टेन पॉइंट्स और जीपी स्कोर निकल के आया इलेवन पॉइंट्स फोर्टी सीपी स्कोर निकल के आया नाइन मार्क टेस्ट भी मैंने इस लैपटॉप पे करा तो इसका स्कोर निकल 6, आपने कुछ के आया सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सेवन पॉइंट में देखा कुछ कुछ में बट वहां पे एक चीज समझने की है वो आप समझ लीजिए है भी या नहीं देखिए कुछ कुछ लैपटॉप की अनलॉक करके रखा गया है तो अगर उस प्रोसेसर को तो करीब एट्टी थाने स्कोर निकाल देता है लेकिन सारे लैपटॉप में ऐसा नहीं

लैपटॉप पे कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा तो सबसे पहला टेस्ट मैंने किया कंट्रोल गेम का तो इसका जो रिजोल्यूशन था वो फोर्टीन फोर्टी पी रखा था मैंने और हाई सेटिंग पे टेस्ट किया था 60 से 70 एफ मुझे आराम से मिल रहे थे इस गेम में और गेम बहुत एंजॉयल था नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट किया साइबर पंक ट्वेंटी सेवेंटी सेवन नाइनटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एटी पी मैंने इसका रिजोल्यूशन रखा था क्योंकि गेम जो है काफी सी पी इंटेंसिव है तो हाई सेटिंग पे मैंने इसको रखा हुआ था और यहाँ पे सेवेंटी से एट्टी एफ मुझे आराम से मिल रहे थे और गेम बहुत ज्यादा एंजॉयबल था ड्यूरिंग द होल टेस्टिंग टेम्परेचर रहा था रूम का ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट किया आर RDR RDR2 जब मैंने टेस्ट किया तो उसको टेस्ट किया 1440p फोर्टी रिजोल्यूशन पे तो ये अल्ट्रा सेटिंग पे मैंने टेस्ट किया तो यहाँ पर 70 fps मुझे इस गेम में मिले और 70 fps जो थे वो एवरेज fps थे मतलब ऐसा कुछ फिक्स आप मत समझना बट गेम जो है काफ़ी एन्जॉयबल था और जब 1440p पर कोई गेम खेला जाता है तो डिटेल बहुत अच्छी आती है नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट किया वॉच डॉक्स टू वॉच डॉग्स टू एक ऐसा गेम है जो सी और जी पर एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लोड डाल देता है और ये थर्मल्स को चेक करने के लिए बहुत अच्छा गेम रहता है तो so यहाँ पर आपको मैंने जो टेस्ट किया वो नाइन्टी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट्टी पे रिजोल्यूशन पे किया अल्ट्रा सेटिंग को रखा था और हंड्रेड से लेकर के वन ट्वेंटी एफ पी एस मुझे कंटिन्यूअसली मिले इस गेम में नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट किया जी टी ए फाइव तो इसका रिजोल्यूशन रखा था फोर्टीन फोर्टी पी वेरी हाई सेटिंग पर रखा था मतलब जो भी मैक्स हो सकता था हंड्रेड प्लस एफ पी एस मुझे इस गेम में मिल रहे थे तो ये बात याद नहीं है आपको की फोर्टीन फोर्टी पी पर मैंने इस गेम को टेस्ट करा और ऐसे में गेम में डिटेल बहुत ज्यादा आती है और सीपीयू और जीपीयू पर काफी लोड पड़ता है एट द सेम टाइम तो गेम प्ले का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था मेरा वॉर जोन बहुत से लोगों का चहेता गेम है और कॉम्पिटेटिव गेम है इसलिए टेस्ट करना बहुत जरूरी था फील्ड ऑफ व्यू मैंने रखा था हंड्रेड हाई प्री सेट पर टेस्ट किया था नाइनटी ट्वेंटी पी थाउजेंड एटीपी रिजोल्यूशन हंड्रेड से वन हंड्रेड टेन एफ पी एस मुझे इस गेम में मिल गए और मेरी कोशिश हमेशा यह रहती है कि मैं ऐसे गेम्स टेस्ट करूं जिसमें सीपीयू और जीपीयू पर ज्यादा से ज्यादा लोड पड़े परफॉर्मेंस के साथ साथ थर्मल्स कैसा है ये भी पता लग पाए तो इस वजह से ये जो गेम टेस्ट करना रहा वो काफ़ी सही रहा और ड्यूरिंग द होल गेम मुझे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी लगी लैपटॉप की थर्मल्स की भी बात कर लेते हैं देखिए थर्मल सिस्टम लैपटॉप का काफ़ी अच्छा है और हो भी क्यों ना क्योंकि लैपटॉप काफ़ी महंगा भी है तो इस हिसाब से थर्मल सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए था जो कि ठीक ठाक थर्मल सिस्टम है तो पूरी टेस्टिंग के दौरान जो टेम्परेचर रहा था वो 26 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स टेम्परेचर रहा था उसके हिसाब से टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन कर रहा था लैपटॉप लिक्विड मेटल पेस्ट एज अ थर्मल पेस्ट इसमें यूज़ करा गया है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत अच्छी तरह मेंटेन रहते हैं सी और जी चिप कूल रहती है इस वजह से हीट डिसिपेशन बहुत अच्छा होता है और लैपटॉप जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देता है स्पीकर्स की बात करिए तो इसके अंदर दो स्पीकर आपको मिल जाते हैं ऑडियो काफ़ी रिच फील होती है थोड़ी बेस भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है एंजॉयबल ऑडियो है बट स्पीकर थोड़े और लाउड होने चाहिए थे स्पीकर थोड़े तिरछे करके लगा दिया था ना ऑडियो और बढ़िया आता नाइनटी वोट आर की बैटरी दी गई है इस लैपटॉप में इसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा हो जाता है और इसके अंदर जो अडाप्टर दिया गया है टू एट्टी का वो इसको पावर देने के लिए काफी है चार से पांच घंटे का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप आपको आराम से प्रोवाइड कर सकता है देखिए आर्मरी क्रिएट जो सॉफ्टवेयर है वो इस लैपटॉप में सबसे सही तरीके से काम करता है मतलब आर सीरीज के जो स्ट्रिक्स वाले लैपटॉप होते हैं इससे ऊपर के लैपटॉप होते हैं उनमें बहुत सही तरीके से काम करता है तो यहाँ पे सिस्टम कंफिग्रेशन में कुछ बढ़िया से फीचर्स हैं जैसे कि यहाँ पे मक स्विच दिया गया है इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहां पे आपको टच पैड का ऑप्शन मिलता है ऑन ऑफ करने का यहाँ पे बूट अप साउंड को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो पैनल ओवर को यहाँ से आप अपने लैपटॉप का टाइम चेंज कर सकते हो थ्री एमएस या फिर उससे ज्यादा इससे क्या होगा आपकी बैटरी बच जाएगी इसी के साथ पैनल पावर सेवर का भी ऑप्शन है तो यहाँ से आप जो है पैनल की पावर को मतलब यहां हो रिफ्रेशी हर्ट करना है कर दो आप वन सिक्सटी फाइव हर्ट रख सकते हो सिक्सटी रखोगे बैटरी बचेगी आपकी एमएस हाइब्रिड मोड जो इस लैपटॉप में दिया गया

क्वालिटी इस लैपटॉप के अंदर एक फुल एच डी वेब कैम दिया गया है तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और इसी के वेब कैम में माइक भी दिए गए हैं तो ऑडियो भी इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है ये जो वेब कैम है ऑटो फोकस वाला है और उस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत सही है देखिए इस वीडियो में मैंने इस लैपटॉप के बारे में सब कुछ बता दिया है फिर भी अगर कुछ गलती से छूट गया हो तो यार उसके लिए मुझे माफ कर देना आई एम सो सॉरी सीरीज काफी बढ़िया और प्रीमियम सीरीज है लैपटॉप के लिए अगर आप इस सीरीज के लैपटॉप बाय करते हैं तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे आरोजी सीरीज से लोग कुछ ज्यादा ही दीवानगी दिखाते हैं और भाई इसका डिजाइन कुछ इस तरह से डिटेल में डिजाइन किया जाता है इतना बढ़िया लगता है तो कहीं ना कहीं दीवानगी दिखाना बनता भी है अगर आपके अभी

Jain